क्या आप अपने ईयरबड्स 381 से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं? निश्चिंत रहें, आपके एयरड्रॉप्स की समस्याएं जैसे कि एक साइड काम ना करना, कनेक्टिविटी की समस्या, साउंड की समस्या, माइक की समस्या अब तुरंत ठीक की जा सकती है। अपने एयरड्रॉप्स 381 को रीसेट करने के लिए नोट, रीसेट करने से पहले सेटिंग में जाएं और डिवाइस को अपने फोन लैपटॉप से अनपेयर या फकेट कर लें। दोनों एयरबड्स को केस के अंदर रखें। अब दोनों एयरबड्स को केस से बाहर निकालें और एयरबड्स को दोनों टच सेंसर को एक साथ 10 सेकंड तक दबाए रखें। एक नीली लाइट 2 सेकंड तक जलकर बुझ जाने पर रीसेट होने का संकेत देती है। केस के ढक्कन को बंद कर दें। केस का ढक्कन खोलें और अपने एयरड्रॉप्स को दोबारा से अपने फोन या लैपटॉप से पेयर करें और फिर उसी में अपने डिवाइस का नाम चुनकर सेलेक्ट करें। बधाई हो, आपका एयरड्रॉप रीसेट कर दिया गया है। नोट, अगर रीसेट से आपके एयरड्रॉप्स की समस्या ना सुलझे तो मैनुअल पावर ऑन करने के लिए एयरबड्स के दोनों टच सेंसर को एक साथ 3 सेकंड्स तक दबाए रखें। एक लाल लाइट जलकर बुझ जाने पर मैनुअल पावर ऑन होने का संकेत देती है।